नातु क्यों होगा एक इमोशनल मोमेंट, रामचरण ने फिल्म में कैसे किया अपने किरदार को मेंटेन। नहीं नहीं, आरआर मूवी कोई हॉरर मूवी नहीं है और किसी ने भी सेट में भूत नहीं देखा है। दरअसल शिवा कार्तिकेय की मूवी डॉन और आरआर की मूवी की रिलीज डेट बिल्कुल सेम थी, इसीलिए डॉन की मूवी के डायरेक्टर ने डॉन की रिलीज डेट चेंज कर दी है। शिवा कार्तिकेय की रिलीज डेट चेंज करने की वजह से दर्शकों का मानना है कि शिवा कार्तिकेय डर गए हैं आरआरआर मूवी से, या तो उसके पीछे कोई उनकी स्ट्रेटजी है। और लाजमी है कि एसएस राजामौली की फिल्म है तो मूवी का बजट भी बड़ा होगा और मूवी का मूड और सेटअप भी काफी हाई होगा, तो डॉन का आरआरआर से डर जाना गलत भी नहीं होगा। और बात की जाए फिल्म आरआरआर मूवी की मेहनत की, तो एसएस राजामौली के साथ साथ एक्ट्रेस ने भी काफी मेहनत की है इस फिल्म में, जिसमें शायद रामचरण टॉप पर नजर आएंगे। असल में हमारे हॉट एंड चार्मिंग हीरो रामचरण ने अल्लूरी सीताराम राजू के लिए अपने फिजिकल ग्रोथ पर काफी काम किया है और शायद ही इसी वजह से दर्शकों ने फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद रामचरण को काफी पसंद भी किया है। और अपडेट्स के मुताबिक उनकी इस बॉडी के पीछे का राज है उनकी कंसिस्टेंट मेहनत और उनका स्ट्रिक्ट डाइट प्लान, जो कि एक्टर को फिट रहने में और उनकी बॉडी को डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रामचरण ने इस मूवी में फैंस का दिल और भी जीतने के लिए इस मूवी में एक नहीं बल्कि तीन तीन रोल निभाए हैं। और एक्टर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनके सभी रोल्स में उनकी अपनी अपनी खूबियां हैं। और ये सुनकर तो आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि आरआरआर के लिए रामचरण ने कितनी और किस हद तक मेहनत की है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि इस मूवी का एक सॉन्ग होगा नातु नातु, और इस सॉन्ग को यूक्रेन के शहर में शूट किया गया था। और बेशक ये सॉन्ग लोगों को यूट्यूब पर काफी पसंद भी आ रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच के माहौल की बात जानकर इस बात के काफी चांसेस हैं कि जिस लोकेशन में गाना शूट किया होगा वो लोकेशन शायद ही अब डिस्ट्रॉय हो गई होगी। और इस बात के काफी चांसेस हैं कि ये फन सॉन्ग लोगों के लिए एक इमोशनल थ्रोबैक सॉन्ग जैसा लग सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि काफी इंडियंस यूक्रेन से वापस इंडिया में लौटे हैं और जब वो ये गाने को देखेंगे तो उनकी आंखें कहीं ना कहीं भर ही जाएंगी। और ये सब जानकर तो आप भी ये समझ गए होंगे कि अपकमिंग मूवी आरआरआर काफी इमोशन से ट्रिगर करने वाली है और काफी हद तक दिलचस्प भी होने वाली है। और कुछ हो या ना हो आपका एंटरटेनमेंट तो फिक्स ही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट्स हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज हैं ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुंच पाए। और दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ, तब तक जुड़े रहिए।